हर हर महादेव। दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे तिलक की। पूजा भगवान शिव शंकर की हो या अन्य देवी देवताओं की, तिलक क्यों जरूरी है, क्यों इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, आखिर हिंदू धर्म में क्यों लगाया जाता है तिलक, जाने इसके नियम और धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में माथे पर तिलक लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माथे पर लगाया जाने वाला एक छोटा सा चिन्ह होता है जो कि पूजा अथवा अन्य धार्मिक अवसरों पर लगाया जाता है। तिलक लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि धार्मिक अवसरों पर सभी लोगों को पहचान मिल जाए कि वह एक ही धर्म का हिस्सा हैं। तिलक लगाना हिंदू परंपरा में प्रयोग किए जाने वाला एक विशेष कार्य है। बिना तिलक लगाए ना तो पूजा की अनुमति होती है ना ही पूजन संपन्न होती है। तिलक दोनों भाव के बीच में अपने कंठ या नाभि पर लगाया जाता है। तिलक के द्वारा ये भी जाना जा सकता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है, मन में एकाग्रता और शांति बनी रहती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों पर तिलक लगाने के कुछ नियम भी हैं। बिना स्नान किए तिलक कभी ना लगाएं। पहले अपने इष्ट देव या भगवान को तिलक लगाएं, उसके बाद स्वयं को तिलक लगाएं। अपने आप को अनामिका उंगली से या दूसरे को अंगूठे से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के लाभ। चंदन का तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। रोली और कुमकुम का तिलक लगाने से आकर्षकता बढ़ती है और आलस्य दूर होता है। केसर का तिलक लगाने से जश बढ़ता है, काम पूरे होते हैं। क्रोचन का तिलक लगाने से विजय की प्राप्ति होती है। ग्रहों को मजबूत करने के लिए कौन सा तिलक लगाना चाहिए? सूर्य लाल चंद्र का तिलक अनामिका उंगली से लगाएं। चंद्रमा सफेद चंदन का तिलक कनिष्ठ उंगली से लगाएं। मंगल नारंगी सिंदूर का तिलक अनामिका उंगली से लगाएं। बुध अष्टघन का तिलक कनिष्ठ उंगली से लगाएं। बृहस्पति केसर का तिलक उंगली से लगाएं। आकर्षण के लिए कैसे बनाएं तिलक? तांबे के पात्र में थोड़ी सी रोली लें, उसमें जरा सा गुलाल जल मिलाएं, उसका पेस्ट बनाकर पहले भगवान श्री कृष्ण को तिलक लगाएं, फिर स्वयं को तिलक लगाएं। इस तिलक को लगाने के बाद मांस मदिरा का सेवन ना करें। विजय और शक्ति के लिए कैसे बनाएं तिलक? लाल चंदन घिस लें, उसको चांदी के या शीशे के पात्र में रख लें, उसके बाद देवी के सामने रखकर ओम दू दुर्गाए नमः का 27 बार जाप करें। अब इस चंदन को देवी के चरणों में लगाएं, उसके बाद चंद्र को माथे या बाहों पर लगाएं। दोस्तों भगवान शिव शंकर को चंदन का तिलक लगाया जाता है क्योंकि इससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए आप भगवान शिव शंकर के मंदिर में आपने देखा ही होगा चंदन को घिसने के लिए एक मिट्टी का बर्तन रखा होता है, तो उसी से ही भगवान शिव शंकर को चंदन का तिलक लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। हर हर महादेव।